दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और किस तरह से ये एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है, और हम जो है किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जुड़कर काफी अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि किन किन चीजों की हमें जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस पे बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडियाज बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों, अगर बात करें एफिलिएट की, तो एफिलिएट की आज की डेट में अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को एफिलिएट के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी जो है एफिलिएट के बारे में जो है नहीं पता है कि किस तरह से इस एफिलिएट का आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इस एफिलिएट मार्केटिंग से जो है जुड़ सकते हैं, और किस तरह से आप जो है इस एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करके जो है स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में यही चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर मार्केटिंग में बिलीव रखते हैं तो यहां पे आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है ये प्लेटफॉर्म है, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि आप जो है किसी ऐसे छोटे मोटे ब्रांड से नहीं जुड़ने जा रहे हो, आप जो एक बहुत बड़े ब्रांड से जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं उन ब्रांड्स को, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, आप अमेजोन की बात कर लें या आप स्नैपडील की बात कर लें, तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग जो है प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए जो है हम काफी ज्यादा जो है अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं। सो दोस्तों, पहले समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों बेसिकली ये है कि जितने भी प्रोडक्ट ऑनलाइन, चाहे वो अमेजोन के ऊपर है, चाहे वो फ्लिपकार्ट के ऊपर है, चाहे वो स्नैपडील के ऊपर है, चाहे और भी बहुत सारी ऐसी वेब पोर्टल्स हैं जो एफिलिएट हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, और उनके ऊपर ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे हैं। सो दोस्तों, हमें जो है उन प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो जब हम उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो प्रमोट करने के बाद उस प्रमोशन के जरिए अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है खरीदा जाता है, चाहे वो अमेजॉन का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे स्नैपडील का हो या किसी अदर पोर्टल का हो, तो जब भी वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उसमें जो है हमें कमीशन मिलता है। सो उस कमीशन से जो है हमें जो है धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पैसा आने लग जाता है, तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सो दोस्तों, यहां पे अभी जो है हमें एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए करना क्या पड़ता है। सो दोस्तों, अगर करने की बात करें तो हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें डेली के जो है 1 से 2 घंटे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, क्योंकि वहां पे जितने भी अच्छे प्रोडक्ट, आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज सेलेक्ट करने हैं इन पोर्टल से जो कि बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, चाहे मोबाइल कैटेगरी ले लीजिए, चाहे आप आपके किचन इक्विपमेंट वगैरह ले लीजिए, या फिर व्हीकल्स के कुछ फैंसी चीजें हैं, और आप जो है पर्टिकुलर जो भी इवेंट आते हैं आप उनको भी टारगेट करके चल सकते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है पास में, तो आप दिवाली पे जो है काफी सारे प्रोडक्ट जो है डील के रूप में यहाँ पे आने वाले हैं, चाहे वो अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, स्नैपडील पे हो या किसी अदर पोर्टल पे हो, सभी लोग जो है अपने प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा सेल करवाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें वही ऑफर्स को क्या करना है, हमारा जितना भी सोशल मीडिया है, हमारा खुद का अगर वेबसाइट है, तो हमें जो है अपने जितने भी लिंक हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको जो है इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो जैसे ही हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली अगर आप 100 लोगों को भेजोगे तो उसमें से 2 लोग तो होंगे ऐसे जो कि उनमें से किसी ना किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो डेफिनेटली यार, आज की डेट में ऑनलाइन अर्निंग जो है और बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो कारण यही है कि ऑनलाइन पे लोगों को इतना ज्यादा विश्वास हो गया है, और उस विश्वास के चलते एफिलिएट मार्केटिंग जो है बहुत लोग ज्यादा करने लग गए, और इसके जरिए जो है आप भी अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं। सो दोस्तों, यही एक तरीका है कि एफिलिएट के जरिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट लेने हैं, वहां से सेलेक्ट करने हैं, उनको अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो है प्रमोट करना है, और वहां से जो भी प्रमोशन के जरिए जो है आपके लिंक के जरिए जितनी भी ट्रैफिक इन वेबसाइट्स के ऊपर आती है वहां से प्रोडक्ट खरीदा जाता है, और उनका कमीशन डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ जाता है। सो इसके जो है आपको डेली का बहुत ही कम टाइम देके, यानी कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो आप इसको पार्ट टाइम डेली का 1 से 1.5 घंटा देने के बाद भी जो है आप
अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं यहां से। सो दोस्तों यही है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको प्रैक्टिकली क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, किस तरह से आपको जो है वहां से प्रोडक्ट सिलेक्शन करने होते हैं, किस तरह से जो है आपको उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, और क्या क्या और अदर बेनिफिट्स हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम प्रैक्टिकली वन बाय वन जो है वीडियोस में यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर पूरा जो है एक काम करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी उसी साथ में मेरे करते रहना है, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ जो है जो आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा। प्रैक्टिकली बताऊंगा तो डेफिनेटली आपको जो है वहां पे ट्रैफिक भी दिखेगा, ट्रैफिक दिखेगा। जितना ज्यादा हम ट्रैफिक क्रिएट कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास उसका इनकम जो है हमें मिलने वाली है। सो दोस्तों ये तो था एक बेसिक डिटेल की एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो करते क्या है, और इसके लिए जो है हमें सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। और आई होप कि आज की डेट में ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो बोल सके कि मैं कुछ लोगों को नहीं जानता। हर इंसान इस वर्ल्ड के अंदर जो है मिनिमम से मिनिमम की अगर बात करें तो 500-600 लोगों को तो आराम से जानता है, और उनके जरिए वो ना जाने और कितनों को जान सकता है। सो दोस्तों बस हमें उन्हीं कॉन्टेक्ट को यूज करना है और अपने एफिलिएट से जो है काफी अच्छी खासी इनकम जो है जनरेट करनी है। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है बेसिक एक आइडिया जो दिया है, डिटेल दी है, वो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ आपको क्या करना है बेल का आइकन दबाना है ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।